करेगा, नामूस की हवा उड़वाएगा, मुसलमानों की औरतों पर हाथ उठवाएगा। मैं उम्मा का बेटा नहीं, अगर फूके को उस खाती के लिए खपत का बना दू। मैं हूं जनाबे हानी, हमसी मुजाहिद। 3000 दिनारे शामी, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे घर में जनाबे मुस्लिम के हुजूर मैंने 3000 शामी दिनार उनके हवाले किए थे? तुम्हारे पिछले झूठ को मैं नजरअंदाज कर दूंगा इस शर्त पर कि अब सच बोलो, मुस्लिम को कहां छुपाया है तुमने? अपने इन बेगैरत सिपाहियों से पूछो, औरतों की अबा और चादर पर भी उन्होंने रहम ना किया मगर उन्हें कोई मुस्लिम ना मिले। अगर मुस्लिम मेरे घर में होते तो तुम्हारे मक्कार हीला घरों के पंजे में आ जाते। हानी, मेरा बाप ज़ियाद तुम्हारा करीबी दोस्त था, ऐसा काम ना करो कि मैं अपने बाप की दोस्ती की लाज ना रखते हुए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करूं। मुस्लिम कहां है? मुस्लिम कुछ अरसा मेरे मेहमान थे, इससे पहले कि तुम अपने रस्सी तोड़ाए हुए कुत्तों को मेरे पीछे भेजो, मुस्लिम मेरे घर से चले गए। कहां गया? तुम उसके करीबी साथियों में से एक हो, यकीनन जानते हो कि मुस्लिम कहां गया। क्या नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठे! से चले जाओ और मुस्लिम का पीछा छोड़, वरना कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नम बना दूंगा। सुन रहे हो, बेगैरती देख रहे हो मुसलमान भाइयों? ये आदमी मेरी हुकूमत में मुझ पर हुकुम चला रहा है। खुदा की कसम, इस तौहीद का जवाब इसका खून है। मा कला, काज़ी शुरे को बुलाओ जल्दी। बिनो रईस, इसे कमरे में बंद कर दो। मुझे कौवों की काय काय से डरोगे? जान से अमीर, खुद को इस कौम के शर के सामने मत लाइए, मुमकिन है कि तीर फेंक। तूफान से डरने वाला ना खुदा कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। जैसा कि नजर आ रहा है, दुश्मन ने ललकार की आवाज सुन ली है। फसीलों पर छुपे हुए लोगों, हानी को आजाद करते हो या महल का दरवाजा तोड़कर इस महल को तुम्हारा कब्रिस्तान बना दे। ए मिजाजी भाइयों, हानी कोई कैदी नहीं जो आजाद हो जाए। तुम कौन हो?
आप लोगों का खादिम इब्ने ज़ियाद। मुझे खबर दी गई है कि मिसजी कबीले वाले तलवारें लिए दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। मुझे यकीन ना आया, मैं खुद अपनी आंखों से देखने चला आया। मेरे अजीजो, ये कैसी जफा है जो तुम लोग अपने वली अमर के हक में कर रहे हो? खुदा की कसम, मैंने हानी को फिक्रमंदी की रूह से महल बुलवाया ताकि कुछ दिन हमारा मेहमान रहे, ताकि हुसैन के तरफदारों का कलह कमा हो सके। सिन रसीदा बुजुर्गान जानते हैं कि मेरे मरहूम बाप ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की हानी इब्ने उरवा मिज़हजी से देरीना दोस्ती थी। अगर मैं अपने बाप की दोस्ती की हुर्मत का ख्याल ना रखूं तो मैं एक नाखलफ बेटा होऊंगा। अगर मैं हानी को अपना दुश्मन समझता तो उसकी अयादत को ना जाता। हंगामा आराई करने वाले जानते हैं कि हानी और उसका घराना बासर है, लिहाजा ये चाहते हैं कि उसके दामन को खयानत से आलूदा कर दें। मगर मैं हानी को दारुल हुकूमत लेकर आया ताकि खयानतकार लोग उसे अपने गलीज मकासिद के लिए आलेकार ना बना सकें। तुम मिसाजियों की तलवारों की चमक के डर से ऐसी बातें कर रहे हो। हमें खबर मिली है कि तुमने हानी को मार दिया है। हानी बीमार है। काश के हानी बीमार ना होता और खुद महल की फसील पर आकर मेरी बातों की सच्चाई की गवाही देता। अगर तुम हानी को दोस्त समझते तो उसके घर पर छापा मारकर उसकी नामूस की इस तरह बेहुर्मती नहीं करते। एक पत्थर किसी मिसाल है कि जिसे एक दीवाना कुएं में फेंक दे और 100 अकलमंद भी उसे ना निकाल सके। ये भी एक ऐसी जफा है कि चंद जाहिल सिपाहियों ने मेरे और हानी के हक में रवा रखी है। मैंने चाहा कि वो पगड़ी लेकर आए, वो सर ले आए। मुतमईन रहिए, मैं उनमें से एक एक को उनकी नादानियों की सजा जरूर दूंगा। मिजाजियान, सब के सब हानी के फिदाई हैं। खुदा की कसम, अगर हानी के बदन का एक बाल भी कम हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मिजाजी भाइयों सुनो, इस शख्स की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक हानी को अपनी आंखों से नहीं देख लेते यकीन मत करना। बहुत खूब, अब जबकि मेरा यकीन नहीं करते तो एक किसी की तरफदारी ना करने वाला शख्स चुन लीजिए जो अंदर आए और हानि को अपनी आंखों से देखकर मेरी बात की सच्चाई पहुंचा दे। काजी शुरय मंजूर है? बिल्कुल। काजी शुरय एक दीनदार और सच्चा इंसान है। कबूल हुक्म काजी शुरय। कल मीसम तम्मार और आज हानी, यकीनन कल मेरी या फिर आप हजरात में से एक की बारी है।